सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ रिदा जफर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सर्दी खुलकर आई नहीं और गैस चली गई, मुश्किलात का शिकार लाहौरियों के लिए एक और मुश्किल, गैस बहरान संगीन होने लगा। पंजाब में सीएनजी सेक्टर बंद करने का फैसला, इकदाम का मकसद घरेलू सार्फीन को गैस की फराहमी यकीनी बनाना है। उधर इशरा न्यू शालीमार कॉलोनी समेत शहर के बेशतर इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम, खवातीन के लिए खाना बनाना मुश्किल। बिगड़ती सूरत हाल पर विफाक ने नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी, 1.5 अरब की डिमांड नोटिस जमा हो चुके, 2,80,000 सार्फीन के कनेक्शन रुक गए। लाहौर में आलूदगी के साए बरकरार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड, सांस और गले की बीमारियां आम होने लगी, आज सुबह चश्म के मरीज भी बढ़ गए। स्मॉग के साथ धुंध की भी पेशकदमी, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, महकमे मौसमियात से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। कोरोना का पलट करवार, मजीद 2 अफराद जांचे गए, शहर में 35 नए केसेज रिपोर्ट। उधर मौसम सर्द होते ही डेंगू के केसेज में भी कमी आने लगी, मच्छर के डसने से एक शख्स की मौत, 45 नए मरीज सामने आए, सरकारी अस्पतालों में अब भी सैकड़ों मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौरियों को बेहतर टीबी सहूलियात की फराहमी का आज़म, जिना सर्विसेज अस्पताल और अल्फा करीम टावर में इमरजेंसी बनाने का फैसला, 3 नए इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए मांग लिए, महकमे खजाना का फंड जारी करने में टाल मटोल। सगिया रोड की असर नौ तामीर बहाली के मंसूबे में तरमीम, फूल मंडी चौक से शाहदरा तक 3 किलोमीटर रोड शामिल, मंसूबे की लागत में 63 करोड़ का इजाफा, LDA ने नजरसानी शुदा PC1 PND को भिजवा दिया। प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए अहम इकदाम, पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम का मुजवजा बिल मंजूर, बिल में फीसों में इजाफा कंट्रोल और असाजा की जॉब सिक्योरिटी की शिक शामिल, अथॉरिटी प्राइवेट स्कूलों में इजाफी चार्जेस को भी कंट्रोल करेगी। यूनिवर्सिटीज ने असाजा की प्रमोशन पॉलिसी लागू करने का मसविदा तैयार, PhD डिग्री करने पर लेक्चरर्स को फौरी असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की मिलेगी, 4 साल तदरीसी तजुर्बे के हामिल MPhil असाजा भी अहल होंगे, वाइस चांसलर्स को 2 हफ्तों में इसी पॉलिसी पर हायर एजुकेशन कमीशन को राय देना होगी। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा ट्रैफिक मैनेजमेंट का शिकार, ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर, मिनटों का सफर तवील होने लगा, एम्बुलेंस समेत शहरी ट्रैफिक में फंसे रहने से ज़हनी अज़ियत का शिकार। छह शोबों में बगैर रजिस्ट्रेशन कारोबार करने वालों की निशानदही, PRA ने 2500 गैर रजिस्टर्ड बिजनेस का डेटा मुरतब कर लिया, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी डेवलपर्स डीलर्स आर्किटेक्ट्स और मार्केटिंग एजेंट्स का डेटा शामिल, 800 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स को रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी। यासिन टाउन फिरदोस पार्क के इलाके में मिलत रोड खस्ता हाली का शिकार, सीवेज का निजाम दरहम बरहम, गंदे पानी से इलाका ताफुन ज़दा, गटरों के ढक्कन गायब रहने से बच्चे गैर महफूज, शहरियों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। शहर की 23 अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स नकारा, मॉल रोड शाहराहे कायदे आजम पर 5 स्ट्रीट लाइट्स नकारा, जेल रोड पर 13, जहूर इलाही रोड पर 10 और शालीमार लिंक रोड पर 10 स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत के लिए तहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए। वन्ने की खिलाफ वर्जी के बाद ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों की शामत, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 2000 जुर्माना शुरू कर दिया, एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग प्राइमरी हेल्थ का भी चालान हो गया, ट्रैफिक वार्डन ने मोहम्मद सुहेल की गाड़ी को रोका, लाइसेंस न होने पर 2000 रुपए का चालान काट दिया। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा की हलाकत, लाश लाहौर एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना कर दी गई, लाश श्रीलंकन एयरलाइन UL186 से रवाना की गई।
देसी घी खाने वाले होशियार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने देसी घी यूनिट्स और सेल पॉइंट्स की चेकिंग करके 2,800 किलो मिलावटी देसी घी खुले रंग और मस्नूई जायके बरामद करके तलफ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे किरदार की तारीफ की। पंजाब के अवाम के लिए मेरी खिदमत को सराहा गया। प्रोसिक्यूशन ने जमानत मंजूरी की दरख्वास्त वापस ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में रोस्टम पर गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत के बाहर निजी कारकुनान की बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए पहुंची। शाहकाम चौक की तौसी और फ्लाईओवर का मंसूबा। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहुक मेसानी अराजी एक्वायर करने से रोक दिया। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने अराजी एक्वायर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। दरख्वास्त गुजार जस्टिस शाहिद वहीद ने एलडीए से 13 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। पंजाब पुलिस के अफसर का तबादला। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तब्दील। एहसन यूनस को आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। सोफा सेट नाकिस क्वालिटी का देने पर हरजाने की डिग्री जारी। वुड फर्नीचर हाउस ठोकर नियाज बेग के मैनेजर को दरख्वास्त गुजार को सोफे की कीमत 30,000 हरजाना अदा करने का हुक्म। रायवंड के मोहम्मद नसीम ने हरजाने का दावा दायर किया था। गवर्नर पंजाब से बरतानवी वजीर मौसमियाती जैक गोल्ड स्मिथ की मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली और दीगर मसाइल पर बातचीत। बरतानवी वजीर ने अफगानिस्तान में अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार और वजीर आजम के बिलियन ट्री मंसूबे को सराहा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से बल्गेरिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की मेहमान सफीर को पार्लिमानी वफ के हमराह पंजाब असम्बली के दौरे की दावत। रहनुमा मुस्लिम विकास चौधरी शाफे हुसैन से पार्टी के वकला विंग की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद इश्तियाक ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। अब्दुल रजा कम्बो, इफ्तिखार हुसैन, हसनाक गिलानी और यूसुफ अलवी भी मौजूद थे। बड़ा मार्का नून लीग के नाम रहा। N133 का मार्का शाइस्ता परवेज मलिक के नाम। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार 40,811 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कैंपों में फतह का जश्न। ख्वाजा इमरान अजीब कहते हैं अवाम ने वोट को इज्जत दी। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। हमजा शहबाज भी गुलकार बन गए। मरियम नवाज की वाह वाह। जुनेद सफदर की दावत वलीमा में शरीक। दीगर अफराद की भी दाद। मुतहिदा जमीयत उलमा पाकिस्तान न्यासी के सेक्रेटरी जनरल बाबा मोहम्मद शफी के एजाज में तकरीब। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, पीर बुरहानुद्दीन उस्मानी, चौधरी अरशद गुजर, पीर आसिम सोहरवर्दी, कासिम अली कासमी, अलामा असगर आरिफ चिश्ती समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। इत्तेहाद उम्मत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी में एफ ब्लॉक के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जनवरी 2022 में सड़कों की तामीर मुकम्मल होगी। सहाफी बरादरी अपने घर तामीर कर सकेगी। सर्विसेज अस्पताल में मोटापे का शिकार खातून की कामयाब सर्जरी। 200 किलो से जायद वजन की हामिल गुलनाज बीबी सर्जरी के बाद रूबर सेहत। 10 किलो वजन कम हो गया। प्रोफेसर वसीम हयात, डॉक्टर उमर बड़ाइश, डॉक्टर उस्मान भट्ट ने मुफ्त सर्जरी की। और मेजर शबीर शरीफ शहीद का 50वां यौमे शहादत। पाक फौज के सपूत ने 1971 की जंग में निशाने हैदर हासिल किया। म्यानी साहब कब्रिस्तान में दुआया तकरीब। आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाहौर की जानिब से फूल चढ़ाए गए। चाको चौबंद दस्ते की सलामी।